Assalamualaikum, this is Amal Chatterjee from Online Quran and Biology Learning. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में किया था। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन के बाद फिर उसकी हमने कुछ फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और उसके बाद फिर हमने जो मोनोसैकेराइड्स है उसके बारे में पढ़ा कि उसके क्या फंक्शन होते हैं। और आज हम जो क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड्स की ये हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 है, और पेज नंबर 21 पे जो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के नीचे थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स है। आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। हम इसी चीज के बारे में जनाब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है मोनोसैकेराइड्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरा हर आने वाला जो लेसन है वो आपको टाइम मिल सके। बायोलॉजी के अलावा हम जो है वो कुरान नाजरा की लेक्चर भी यहाँ पे दे रहे हैं। जो बच्चे तहफ्फुज़ के साथ कुरान पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों टाइम वेस्ट किए बिना ही अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कह रहे हैं कि इन नेचर मोनोसैकेराइड्स में 3 to 7 कार्बन आइटम आर फाउंड। कुदरती तौर पर जो मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं वो आमतौर पर 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक पाए जाते हैं कुदरती तौर पर। दे आर कॉल्ड ट्रायोसिस, उनको नाम दिया जाता है ट्रायोसिस। ट्रायोसिस का होता है जिसमें 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो तो उसको टेट्रोसिस कहा जाता है, 5 कार्बन हो तो उनको पेंटोसिस कहा जाता है, 6 कार्बन हो तो हेक्सोसिस और 7 कार्बन हो तो हेप्टोसिस। ये इनके नाम दिए गए। ये रोमन काउंटिंग है जिसको मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, ठीक है, ये इनके नाम दिए जाते हैं। तो इसी से इसको नाम दिया गया कि अगर 3 कार्बन हो तो टेट्रोसिस, ट्राइओसिस 4 कार्बन, टेट्रोसिस 5, पेंटोसिस 6, हेक्सोसिस और 7 हेप्टोसिस, ये इनके। और इनका जो जनरल फार्मूला दिया गया वो है H2O होल है, और एन क्या है होल नंबर है, ठीक है। और इसकी जो मिकदार हो, इसकी जो नंबरिंग हो सकती है वो 3 से लेके 7000 तक हो सकती है, ठीक है, 3 से लेके 7000 तक इसकी नंबरिंग हो सकती है कार्बन की। तो मैनी थाउजेंड यानी कि 7000 तक हो सकती है इसकी। अच्छा ये था। अब इसके जो मतलब दो कंपाउंड है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला हमारे पास है ग्लाइसरल्डिहाइड और सेकेंड वाला है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड वो चीज इनका जो मतलब फार्मूला है C3H6O3 आर इंटरमीडिएट इन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं ये इंटरमीडिएट का काम करता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियानी काम करता है ये, यानी कि फोटोसिंथेसिस से रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस के दरमियान ये काम करता है उनके दरमियान में। और क्या है कि टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर इन सब बैक्टीरिया। जो टेट्रोसिस है यानी कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये तो मौजूद होता है ज्यादातर ये पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान काम करता है। और टेट्रोसिस जो है वो बहुत कम पाया जाता है कुदरती तौर पर, और अगर वो भी तो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। पेंटोसिस और हेक्सोसिस आर द मोस्ट कॉमन, ये सबसे कॉमन है यानी कि आम है। 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा आम है। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोसिस ग्लूकोज, अगर बायो के हिसाब से देखा जाए क्योंकि अपने यहाँ पे बायो कर रहे हैं और लिविंग थिंग में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आमतौर पर ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इन एन अल्टोज शुगर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एंड ग्लूकोज आर गिवन बिलो। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो यहाँ पे राइबोस और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी गई है जो कि ब्रांच है और अनब्रांच है और रिंग फॉर्म में जो आपको दी गई है, ठीक है। सबसे पहले हम ग्लूकोज की पढ़ेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। यहाँ पे राइबोज में क्या होता है, राइबोज में 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, ठीक है। इसमें 5 कार्बन इसको राइबोज कहा जाता है, उसमें 6 कार्बन है वो ग्लूकोज होता है। अच्छा अब इसमें ये है कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर कार्बन नंबर 3 को आप देखें, ये जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ राइट साइड पे H है और लेफ्ट साइड पे OH है, बस ये इसके फर्क है कार्बन नंबर 3 का।
कि यही इसको ग्लूकोज बनाती है, ठीक है। जबकि कार्बन नंबर टू के साथ देखा जाए, फोर के साथ देखा जाए, फाइव और सिक्स के साथ देखा जाए, तो आपको ओ एच राइट साइड पे नजर आएंगे, एच जो है वो लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। लेकिन कार्बन नंबर थ्री के साथ थोड़ा सा ऑपोजिट है, ये अपोजिट है, तो ये है हमारे पास ग्लूकोज। इसको भी बच्चों हम डेक्स्ट्रा और लिनोवो लोवो ये नाम दिए जाते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे। तो ये डी ग्लूकोज होता है जिसको डेक्स्ट्रो के नाम से जाना जाता है, एल ग्लूकोज होता है जिसको लेवो के नाम से जाना जाता है। तो ये तो एक डिटेल है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, बस आपने यहाँ पे ये याद रखना है। तो आप नंबर थ्री के साथ जो है वो क्या है, अपोजिट है, एच जो है वो राइट साइड पे है, एच राइट लेफ्ट साइड पे है। इसका ये भी ग्लूकोज का है, तो यहाँ पे रिंग फॉर्म में देखें, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये छह कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के साथ देखें, ये कार्बन नंबर 3 है, इसका एच नीचे और एच ऊपर, बाकी सब का आप देखते हैं एच कहाँ पे, तो ये आपको यही फर्क आपको नजर आएगा, ये ग्लूकोज था। अब हम चलते हैं राइबोज की तरफ के, राइबोज का क्या है, तो राइबोज देखें 1, 2, 3, 4, इसके कार्बन नंबर 1, 2 के साथ देखें, 3 के साथ देखें, 4 के साथ देखें, OH सारे राइट साइड पे हैं, H जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइबोज है, और ये अल्डो यानी कि अल्डो ग्रुप है, ये भी अल्डो ग्रुप है, कीटो ग्रुप आपने पढ़ा था, अगर दरमियान में कार्बन के साथ OH ना हो तो फिर वो कीटो होता है, और CH2OH के आप ये तो लाजमी है, तो ये राइबोज है। इसके साथ अगर कार्बन नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसके साथ सबके साथ जो ना वो एच राइट साइड पे है, कोई फर्क नहीं है। अगर इसका रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो रिंग स्ट्रक्चर देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे देखें 2 के साथ देखें OH नीचे है, 3 के साथ देखें OH नीचे है, ठीक है, और 4 के साथ देखें तो वो भी OH यहाँ पे नीचे है, और यानी कि सेम एक जैसा है यहाँ पे सब, ये वो बता है। तो ये इसका रिंग स्ट्रक्चर था, और इसका कौन सा था ब्रांच स्ट्रक्चर था इसका। अब हम चलते हैं नीचे, इसकी मजीद डिस्कशन करेंगे। अब इसकी रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो रिंग स्ट्रक्चर डिटेल में यहाँ पे ये दी गई है, और वो हम देखते हैं वो क्या कह रहा है यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, ज्यादातर जो मोनोसैकेराइड्स पाई जाती है वो रिंग स्ट्रक्चर में पाई जाती है, व्हेन इन आइसोलेशन, जब ये अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम विल फॉर्म अ 5 कंसर्न्ड रिंग नोन एज द राइबोप्यूरिनेज, कहते हैं जैसे ये बता रहा है एग्जाम्पल दे रहा है कि राइबोज जो है वो 5 कार्बन की रिंग बनाती है, के 5 कार्बन के, और वो जो 5 कार्बन के कॉर्नर होते हैं उसको हम कहते हैं राइबोप्यूरिनेज, जैसे कि ये राइबोज है, क्योंकि 5 कार्बन पे यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 ये कार्बन है और कार्बन की एक रिंग बना रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं राइबोप्यूरिनेज प्यूरिनोज। जबकि ग्लूकोज विल फॉर्म 6 सिक्स कॉर्नर, जबकि जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कॉर्नर रिंग होती है और उसको हम कहते हैं ग्लाइकोपाइरानोज, ठीक है, ग्लाइकोपाइरानोज कहते हैं। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है, 6 है A के साथ हुए है, यहाँ पे A कॉर्नर पे हुए है, बाकी के साथ कार्बन है, तो ये जो ग्लूकोज होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्यूरिनोज, तो पाइरानोज कहते हैं। इसी तरह राइबोप्यूरिनोज और राइबोपाइरानोज आपने देख लिया, ये मैंने रिंग फॉर्म में आपको पहले भी बता दिया था। मजीद इसके बारे में अगर हम चलें करें तो आगे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज की बात करते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज के बारे में कह रहा है कि इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, ग्लूकोज अगर फ्री स्टेट में हो यानी कि आजादा ना हो तो ये फ्रूट्स में पाया जाता है। फिर अमरनेट इन रेट ज्यादा किस्म होता है, डेट्स अंगूर में, पीस में और डेट्स में, खजूर में और ड्राई डेट में ये पाए जाते हैं। और ब्लड, हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज की मात्रा होती है, कितनी होती है 0.08% ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। तो बच्चों ये आपने मात्रा याद रखनी है, एमसीक्यूज में वो आपसे पूछा जा सकता है। इट कंबाइन फॉर्म, और जब ये कंबाइन होता है इट इज फॉर्म मेनी डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, अगर ये कंबाइन फॉर्म में हो तो ये क्या करता है ओलिगोसैकेराइड्स में, जिसको हम डाइसैकेराइड्स का नाम भी देते हैं, या पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। जब ये ब्रेक होते हैं यील्ड ग्लूकोज कंप्लीटली और हाइड्रोलाइसिस, जब इनको पानी में से तोड़ा जाता है तो ये क्या देते हैं ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट, ये ज्यादातर ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, विच टेक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ये देखें ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। ये देखें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइट है और क्लोरोफिल है, जब ये चार चीजें पूरी हो जाती हैं
तो ये क्या बनाते हैं ग्लूकोज वाले, इसका फॉर्मूला C6H12O6, छह कार्बन डाइ छह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाते हैं और छह ही क्या बनाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं। तो ये इसकी क्वेश्चन दी गई थी फोटोसिंथेसिस की, जो कि ग्लूकोज जो बनने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के मॉम वो आपको बताया गया। आई कह रहा है कि एज इंडिकेटेड इन दिस इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखाया गया एनर्जी इज कंज्यूम इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है। एनर्जी कौन सी है ये देखें, लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी आएगी लगेगी तो ये चलेगा रिएक्शन, अगर लाइट एनर्जी नहीं होती तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें एनर्जी कंज्यूम हो यानी कि खर्च हो रही है विच इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट, और इसको एनर्जी कौन दे रहा है सूरज दे रहा है। This is why the process is called photosynthesis, इसको photosynthesis कहा जाता है क्योंकि इसमें energy consume की जाती है। It is noteworthy that, ये भी नोट करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अगर हमने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाना हो बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज, तो इतनी एनर्जी को यूज करना पड़ेगा सूरज की रोशनी से अगर हमने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाना है। तो देखो बच्चों कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज की जाती है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। 10 ग्राम ग्लूकोज कुछ भी नहीं होता, मामूली सा होता है। तो इतना तो मतलब ये है कि इतने भी ज्यादा तो हमारी एनर्जी नहीं पूरी होती, रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती। तो इतनी ज्यादा एनर्जी हमें कौन देता है, इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो सूरज से ली जाती है जो कि प्लांट जो है उससे हासिल करने के बाद फोटोसिंथेसिस करने के बाद ग्लूकोज जब बना देते हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यूज में याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। अगर दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज केमिकल एनर्जी, इसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल के तौर पर केमिकल एनर्जी में स्टोर किया जाएगा, बिकम अवेलेबल ऑल इन ऑर्गेनिज्म, जिसको भी क्या है जितने भी जानवर है उसमें ये अवेलेबल होगी, ऑक्सीडाइज होगी यानी कि ये ब्रेक डाउन की जाएगी, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर इससे एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अपनी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये तो अच्छा हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, और इसके आगे स्ट्रक्चर्स दी गई है। स्ट्रक्चर्स देखिए यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है। मैं आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। ये तो आपने अभी पढ़ा था कि छह कार्बन की रिंग होती है 1, 2, 3, 4 और उसमें कार्बन नंबर 3 के साथ ये चीज होती है। अल्फा और बीटा कार्बन में आपको बताता हूँ कि ग्लूकोज क्या होता है वो आपको बता देता हूँ उसमें क्या है। सबसे पहले अल्फा ग्लूकोज में देखें 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे आपने गौर करना है, कार्बन नंबर 1 पे अल्फा ग्लूकोज में देखें अगर तो OH नीचे होगा, OH अगर यहाँ पे नीचे होगा तो वो अल्फा ग्लूकोज होगा और H ऊपर है। बीटा ग्लूकोज में देखें अगर OH जो है वो ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, अगर OH ऊपर होगा तो ये बीटा ग्लूकोज होगा। सिंपल सी बात है, कार्बन नंबर 1 के साथ अगर OH नीचे है तो वो अल्फा ग्रुप है, अगर OH ऊपर है तो वो बीटा ग्रुप है ठीक है। बाकी वही सेम स्ट्रक्चर है जैसा आपने ऊपर पढ़ा था, सेम वही है, बस कार्बन नंबर 1 के साथ आपने देखना है कि OH कहाँ पे अटैच है। तो ये था हमारे पास मोनोसैकेराइड्स कम्प्लीटली, और कल हम जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स को हम डिस्कस करेंगे, और कल हम अपना कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है वो कम्प्लीट करेंगे। आज के इतना ही काफी है, तो इसको बच्चों आप पूरा लेसन गौर से सुनिएगा और पूरा लेक्चर सुनेंगे तो तभी आपको समझ आएगी कम्प्लीटली। अगर कहीं से कोई समझ ना आए तो आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें, पॉइंट आउट करते जाएं, और फिर भी समझ ना आए तो फिर वो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जो ना वो आपको आंसर दूंगा ठीक है। तो कल तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।